होगा ना फोन चार्जिंग में लगाना होगा फेस वो करना ना मेरा नाम है अस्मा और मैं यहाँ पर मैं मतलब न्यू मल्लापल्ली घटाला मस्जिद के पास रहती हूँ कि मेरे हस्बैंड है उन्होंने 7 ईयर से मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं मेरे सास और मेरे हस्बैंड और मेरे जो देवर जो बाहर रहते हैं दुबई में और मेरी ननद जो रियाद में रहते हैं उन्होंने हर हमेशा जब आते मेरे को मारा खिलाते। किस वजह से मार रहे हैं आपको? जी मेरे को हर मतलब मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरे भाई अच्छे नहीं है, ये हर वो चीज़ से उन लोग हमेशा मेरे को टॉर्चर भी करे और मेरे सास भी मेरे को मारे और मेरे हस्बैंड हमेशा मेरी सास की बात सुन के मेरे को मारते हैं। कितने साल हुआ आपकी शादी के? 7 साल हुआ। आज किस वजह से आया? आज मैं इस वजह से आई क्योंकि हमेशा मैं बर्दाश्त करी की क्योंकि ससुराल है शादी में है मतलब वो था लड़ाइयाँ झगड़े हो थे मैं बर्दाश्त कर करी आज मेरा बर्दाश्त खत्म हो गया। हर वक्त ये बार बार आपको मारने की वजह टॉर्चर करने की वजह क्योंकि उनको मेरे मैं उनको पसंद नहीं हूँ। उन्होंने बोलते हैं कि उनकी सास की मजबूरी की वजह से उन्होंने मेरे से शादी करे इस वजह से उन्होंने मेरे को हमेशा टॉर्चर करते कंपेयर करते दूसरों से कंपेयर करते तेरे भाइया क्या है तेरे भाइया ससुरालों का खाते तेरे भौनैया ऐसे है वैसे है हर चीज़ जान दो। शादी है ना बचाना है बच्चा है बचाना है बचाते बचाते आज उन्होंने मेरे को बाहर पार करके मेरे को इतना मारे मालूम है मैं आपको बता नहीं सकती। मैं प्रेग्नेंट हूँ मैं 3 महीने उनको आज ये भी चीज़ उनको मालूम हुई बोल के उन्होंने मेरी सास जैसा मेरी सास को मालूम हुआ आज उन्होंने उनके बेटे को बोल के मेरे को मारा खिलाने लगा उन्होंने जो मेरी जिंदगी खराब कर रहे थे। आप कंप्लेन करें इसके ऊपर? मैं आज कंप्लेन करी 7 ईयर्स के बाद मैं आज कंप्लेन इसलिए करी क्योंकि मेरा सफर खत्म हो गया। कहाँ पे करा है कंप्लेन? ये हबीब नगर वहाँ पर पुलिस स्टेशन में। तो ये हर बार होता है आपसे लड़े झगड़े? जी हमेशा हर बार किसी की भी बात रहें दो वो मेरे पे आती शायद तो, वो मेरी जिठानी की बात रहें दो या मेरे देवरों की रहें दो किसकी भी रहें दो आज मैं उनके लिए इसीलिए ये मैं हर तकलीफ को खत्म करके आज ये डिसीजन उठाई क्योंकि अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाह रही और मेरे को इंसाफ होना जितनी तकलीफ होना मेरे को दिए अब उनको उतनी तकलीफ नहीं। कहाँ पे मारे आपको थोड़ा बता सकते? नहीं मैं बता नहीं सकती। मेरे स्टमक पे मेरे को मेरे फेस पे मारे मेरे को 3 टाके लगे आपके पास रिपोर्ट्स भी है आप देख सकते। मेरे को इंसाफ चाहिए क्योंकि मैं 7 ईयर्स से मैं बहुत उनको बर्दाश्त करी अब उनको हर वो चीज़ की सज़ा उनको मिलना जितना मैं रोई अब उन्होंने रोना। आखिर पुलिस वालों से और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया वालों से कि आप सक्सेस उनके ऊपर एक्शन लेंगे नहीं तो मैं वहाँ पर मैं जाऊँगी वो क्या बोलूँ ठीक है ना okay.